नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है YMW फाइनेंशियल सर्विस के एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि अगर आप वेस्ट बंगाल में PT रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं, यानी PT यानी कि प्रोफेशनल टैक्स का रजिस्ट्रेशन लेने जा रहे हैं, तो जो है आप कैसे घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। आपको पता है कि अभी जितने भी प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं वेस्ट बंगाल में, वो सिर्फ SATI पोर्टल के माध्यम से हो रहे हैं। तो अगर आप लोग में से कहीं से भी बिलोंग करते हैं, जैसे आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं और आपका काम चल रहा है वेस्ट बंगाल में और आपको वहाँ का PT रजिस्ट्रेशन लेना है, तो इसके लिए कैसे अप्लाई होगा, इस वीडियो के माध्यम से आप पूरी तरह से अप्लाई कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आप हैसल फ्री सर्विस चाहते हो PT रजिस्ट्रेशन का, तो YMW फाइनेंशियल सर्विसेज के दिए गए नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, डेफिनेटली आपको अफोर्डेबल प्राइस ये सर्विस आपको दी जाएगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने से अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा YouTube चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले जितने भी नए नए वीडियो है YMW फाइनेंशियल सर्विसेज के, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको सिर्फ SATI.wb.gov.in पे जो है आ जाना है, और उसमें अगर आपने अब तक साइनअप नहीं किया हो, आप साइनअप कर लेंगे। साइनअप करने के बाद जो है आप क्या करना है, उसको लॉगिन करना है। जब लॉगिन करेंगे तो इस तरह से आपको डैशबोर्ड आके आ जाएगा आपके पास में। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑल सर्विस है, आप ऑल सर्विस पे जाएंगे और ऑल सर्विस क्लिक कर दीजिएगा। करने के बाद जो है ना, आपको जितनी भी सारी सर्विस है उसके लिस्ट निकल जाएंगे। तो वेट कीजिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरी सर्विस की लिस्ट निकल चुकी है। अब यहाँ बात आती है कि हम लोग प्रोफेशनल टैक्स कैसे इसमें सर्च आउट करेंगे। देखो क्या है ना, कि आपको सर्च बाय डिपार्टमेंट, आप यहाँ से भी जो है कमर्शियल टैक्स आप यहाँ से डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकते हो। जब सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे जो है आपका आ जाएगा रजिस्ट्रेशन अंडर प्रोफेशनल टैक्स और एनरोलमेंट अंडर प्रोफेशनल टैक्स, दो तरह के हैं। तो आपको जो चाहिए आप उसके थ्रू यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। देखो, वेस्ट बंगाल में काम कर रहे तो दोनों रजिस्ट्रेशन आपको लेना अनिवार्य होता है, तो हम दोनों सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्रिएट कैप पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे ना, तो ये आपका यहाँ पे देखने को मिल जाएगा सर्विस टैब में। आप देख लो, यहाँ पे आपका आ चुका है एनरोलमेंट अंडर प्रोफेशनल टैक्स। तो जो भी अप्लाई करना आप अपने अकॉर्डिंग कर लो। तो देखो, यहाँ पे आप जब अप्लाई करने जाओगे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, तो अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना पड़ेगा। और याद रखें, जब भी आप अप्लाई ऑनलाइन करोगे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, तो उससे पहले आपको एनरोलमेंट लेना पड़ेगा। इसलिए देख रहे हैं यहाँ पे पूछेगा कि डू यू हैव एनरोलमेंट नंबर। अगर आप यहाँ पे नो करके क्लिक करते हो ना, तो आपका ये हाईलाइट नहीं होगा, आपको यस यहाँ मैंडेटरी कर दिया गया है ना। तो ये मैं दिखाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि पहले आपको एनरोलमेंट लेना पड़ेगा, तभी जो है आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। तो पहले आप एनरोलमेंट लो, उसके बाद जो है आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करो। तो चलो यहाँ पे एनरोलमेंट के लिए इस पर क्लिक करेंगे। एनरोलमेंट आ चुका है, अब इसका एप्लीकेशन लोग करना है, तो अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना पड़ेगा। करेंगे तो यहाँ पे आ चुका है, तो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना, जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा आपके क्लाइंट का, वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना। चलो यहाँ कर लिया। सब डिवीजन जो होगा उनका विधाननगर है, तो विधाननगर यहाँ पे देख लेना। पुलिस स्टेशन में विधानी नगर होगा, तो यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जो है यहाँ पे आपका यूनिट का ऑफिस आ जाएगा, देख रहे हो। तो अब यहाँ पे अप्लाई है, आप क्या हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। आपकी फर्म क्या है, आपके यहाँ फर्म इंडिविजुअल है, प्रोप्राइटरी कंसर्न है, तो यहाँ सेलेक्टेड है। इसके बाद जो है यहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स शेड्यूल सीरियल नंबर 4 में यहाँ पे बताया गया। तो वो सीरियल नंबर 4 में आपको सेलेक्ट करना है कि आपका जो है ना प्रोफेशनल टैक्स शेड्यूल जो है किस पे आपको लागू होता है। तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा आप क्या हो, कॉन्ट्रैक्टर हो या आपका कोई, यहाँ पे अलग अलग तरह के दिए गए हैं, जो भी आपकी एक्टिविटी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर दो। तो देख लो अच्छे तरीके से चूज करना, क्योंकि उसी पे जो है आपका ये इम्पोज होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे मिल गया है, जो हमारे कंसर्न जो है क्लाइंट उनका ये काम है, तो हम लोग इसको सेलेक्ट करके आगे प्रोसीड करेंगे। तो सेलेक्ट कर लिए। इसके बाद जो है प्रिंसिपल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे नेम ऑफ एप्लीकेंट देना पड़ेगा, मिडिल नेम यानी फर्स्ट मिडिल लास्ट नेम, जेंडर सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे, फादर का नाम देना पड़ेगा यहाँ पे फर्स्ट मिडिल लास्ट नेम, और यहाँ पे इंटर बिजनेस नेम, जो भी आपका ट्रेड नेम होगा ना, आपकी प्रोप्राइटरी कंसर्न फॉर्म होगी तो GST पे चेक करना, जो ट्रेड नेम होंगे वो ट्रेड नेम डाल देना, क्योंकि वो नाम मेंशन रहेगा आपके प्रोफेशनल टैक्स पे। यहाँ पे एड्रेस टू प्रिंसिपल प्लेस ऑफ वर्क का पूरा यहाँ पे देना है आपको, दे दीजिएगा। आपका जो रेंट एग्रीमेंट या फिर खुद की होगी तो उसमें लिखा होगा। बैंक डिटेल देना, जो बैंक का आप कैंसिल चेक यहाँ पे आप डालना चाह रहे होगे, ठीक है। इसके अलावा जो है यहाँ पे इंडिविजुअली इंक्लूडिंग प्रोप्राइटरशिप कंसर्न लिखा हो, प्रोफेशनल्स है, ट्रेड है, तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड ही रहेगा। अब यहाँ पे देखो अलग अलग तरीके के आपको मिल जाते हैं शेड्यूल 3 में, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख लेना क्या है आपका। और इसके अलावा जो है यहाँ पे एनुअल ग्रॉस रिसीप्ट, टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर की मांग रहे, तो प्रीवियस ईयर में तो 0 है, क्योंकि इसी साल उनका स्टार्टअप हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे अभी किस तरह का टर्नओवर नहीं लिखेंगे, यानी 0 ही रहने वाला है। अब यहाँ पे आपका सिलेक्शन सेलेक्टरी में कर लीजिएगा, और यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। करने के बाद जो है आप अच्छी तरीके से चेक करना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपने सेलेक्टरी में सेलेक्ट किया वो आपका एप्लीकेबल ही ना हो, है ना। तो चलो यहाँ पे जब आप पूरा कर लोगे तो सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है।
तो आपका ये जो फॉर्म है ये आपका प्रोसेस हो जाए। तो यहाँ पे आपको सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपका प्रोसेस आगे बढ़ेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका पूरा एप्लीकेंट का रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन आ चुका है। देख रहे टोटल इन्फॉर्मेशन आ चुका है। तो जितना भी पेमेंट करना है यहाँ पे पेमेंट करेंगे तो आपको इसको टिकआउट करना है और सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट के बटन पे क्लिक कीजिएगा तो ये जो है आपका फॉर्म यहाँ पे आपका सबमिट होगा। देख रहे हैं यहाँ पे आपका फॉर्म पूरी सबमिट हो चुका है, बट यहाँ पे पेमेंट के लिए पेंडिंग है। किसके लिए पेंडिंग है? पेमेंट के लिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे पेमेंट कर लेते हैं। तो पेमेंट कैसे होगा? पे नाउ पे क्लिक करके। तो जैसे पे नाउ पे क्लिक कीजिएगा तो आपको पेमेंट करने के लिए आएगा। कितना का? 2500 का पेमेंट करना पड़ेगा। चलिए इसको पेमेंट हम लोग कर लेते हैं कंफर्म पेमेंट पे क्लिक करके। जैसे कंफर्म के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ रिफ्रेश बटन बैक बटन आपको क्लिक नहीं करना है, तो ये आपका जो है डिसेबल हो जाएगा। तो आपको थोड़ा वेट करना है, ये आपका पेमेंट की ओर लेके जाएगा। तो देख रहे हैं ये जो है अब आपका पेमेंट की ओर लेके जा रहा है। तो यहाँ पे जो पेमेंट होगा वो WBIFMS पोर्टल से होता है ना। तो ये देखिए यहाँ पे पेमेंट करने के लिए आपको 4:56 ये जो है पूरा 5 मिनट का दिया जाता है, इसी में आपको पूरा पेमेंट कंप्लीट करना है। तो आपको क्या करना है, टोटल पेमेंट है यहाँ पे आपको टिकआउट करना है और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। करते हैं यहाँ पेमेंट मोड सेलेक्ट करना है जिसके थ्रू करना चाहते हैं, पे थ्रू जिसके थ्रू आप यहाँ पे करना सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपका GRN नंबर जनरेट हो जाएगा, गवर्नमेंट रेफरेंस नंबर बोलते हैं GRN नंबर को, ओके बटन पे क्लिक करेंगे, नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ पे जो है आपको पे नाउ का बटन मिल जाएगा, आपको क्लिक करना है। क्लिक करते हैं यहाँ पे किसी तरह का रिफ्रेश नहीं करना, आपका पेमेंट गेटवे आ चुका है। अब यहाँ पे आपको पेमेंट करना पड़ेगा, किसके थ्रू करेंगे? UPI है, बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं आपको, तो आप यहाँ से डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं ना। तो UPI QR कोड यहाँ पे जनरेट करेंगे, पे नाउ पे क्लिक करेंगे। करने के बाद जो है मैं अपने मोबाइल से निकालता हूँ फोन पे और इसका पेमेंट कंप्लीट करता हूँ। चलिए यहाँ पे हम लोग पेमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पेमेंट जो है डन कर दिया है, आप देख सकते हैं ये 2500 का पेमेंट जो है जा चुका है। अब यहाँ पे ऑटोमेटिक देखिए रिडायरेक्ट हो चुका है, रिडायरेक्ट होकर जो है यहाँ पे आपका चालान जनरेट होगा, है ना। तो देखो ये जो है डाउनलोड चालान का ऑप्शन मिल जाता है, आप यहाँ से डाउनलोड चालान कर सकते हो, है ना। तो जब चालान डाउनलोड करो तो यहाँ पे दिख जाएगा, आप इसको डाउनलोड करके यहाँ पे देख सकते हो। ये जो है SBI के थ्रू चालान का पेमेंट हुआ है। अब यहाँ पे जो है ये आपका डिपॉजिट हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से डायरेक्टली फिर से दोबारा लॉग इन करके चेक करेंगे कि क्या स्टेटस है, है ना। तो इसको हम लोग यहाँ करेंगे, लॉग इन करेंगे, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जब लॉग इन करेंगे तो आपका सारा चीज लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन आपका जो है जो पेंडिंग था फीस के लिए वो आपका कंप्लीट हो चुका है। यहाँ सारा चीज़ जो है आपका कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर भी जनरेट हो चुका है, कंप्लीट लिखा रहा है ना। तो देखो यहाँ पे जो है आपको जाना पड़ेगा डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे जब जाओगे तो यहाँ पे जो इनरोलमेंट सर्टिफिकेट निकालोगे, अब यहाँ व्यू डाउनलोड इनरोलमेंट सर्टिफिकेट क्लिक करोगे, क्लिक करते ही यहाँ पे आपको इनरोलमेंट सर्टिफिकेट आ जाता है। क्लिक करना यहाँ पे और आपका जो भी इनरोलमेंट सर्टिफिकेट है आ चुका है, यानी कि ये वेस्ट बंगाल का प्रोफेशनल टैक्स का इनरोलमेंट सर्टिफिकेट नंबर है। तो इसी सर्टिफिकेट नंबर को कॉपी कर लेना। अब जो है हम लोग अप्लाई किसके लिए करेंगे? RC क्लिक करेंगे, यानी कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट क्लिक करेंगे। तो देखो यहाँ पे अब क्या करना है, जाना है वापस बैक टू डैशबोर्ड पे करेंगे। डैशबोर्ड पे जाने के बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन अंदर प्रोफेशनल टैक्स करेंगे। ये रजिस्ट्रेशन में अप्लाई हो रहा है। देखो PTRC अलग होता है, PTC अलग होता है। इनरोलमेंट सर्टिफिकेट मेरे किसके लिए होता है? इंडिविजुअल पर्सन के लिए होता है। अगर मैं डायरेक्टर, अगर मैं किसी कंपनी हूँ तो कंपनी अपना खुद का पेमेंट करने के लिए करेगी, है ना। अगर मैं इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर ओनर हूँ तो मैं खुद का अपना पेमेंट करूंगा, तो उसके लिए होती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इनरोलमेंट नंबर लिख देंगे, ठीक है। ये अगला अभी जो हो रहा है वो PTRC हो रहा है, क्या करना, प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर के लिए हम लोग आगे एप्लीकेशन करने जा रहे हैं। तो यहाँ से देखो क्या है, ये नंबर को हम लोग कॉपी कर लिए हैं और यहाँ पे हम लोग पेस्ट करेंगे। लिखने के बाद जब बाहर क्लिक करोगे ना तो ये आपका वेरीफाई हो, देखो वैलिड इनरोलमेंट नंबर लिखा है, यू मे प्रोसीड विद द एप्लीकेशन लिख रहा है। तो अब सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। करने के बाद क्या होगा, ये आगे प्रोसेस होगा, है ना। तो देखो ये आगे पूरा प्रोसेस होके आगे ऑटोमेटिक आ जाता है, क्योंकि ये पहले से जो है पूरा जो इन्फॉर्मेशन उसको फेच कर लेता है, जिसके कारण जो है यहाँ पे किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होता है RC लेने में। अब स्टेटस ऑफ द एप्लीकेंट यहाँ पे सेलेक्ट करना है, तो हम लोग क्या है यहाँ पे इंप्लॉयर है, यानी प्रोप्राइटर सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे मंथ एंड ईयर इन विच सैलरी वेजेस इन द टैक्सेबल लिमिट वॉज डिस्पर्स फॉर द फर्स्ट टाइम, आपको यहाँ पे डेट सेलेक्ट करना है, आपको यहाँ पे जो डेट होगी वो सेलेक्ट करना है। तो हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं 29, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने बाद जो है आपको सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कीजिएगा तो ये प्रोसेस आपका आगे बढ़ के जाएगा। जाने के बाद जो है नीचे आना है। अब यहाँ पे आपका जो करेंट अकाउंट सारा चीज़ शो करने वाला है, देख रहे हो किसी तरह कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट पे क्लिक करोगे ना तो ये आपका एप्लीकेशन जो है सबमिट हो जाएगा। आपको वेट करना है कि किस तरह से एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट होगा। देख रहे हैं यहाँ पे आपका एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पे देखो आपका RC
सी भी जनरेट हो गया है। कैसे पता चलेगा? डैशबोर्ड पे जाना है, यहाँ पे डैशबोर्ड पे जाने के बाद जो है आप यहाँ से अपना आरसी सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हो। देखो लास्ट टाइम जो मैंने दिखाया था वो यहाँ से हम लोगों ने इनरोलमेंट सर्टिफिकेट डाउनलोड किया था, बट अभी जो है हम लोग आरसी यहाँ पे डाउनलोड करेंगे। देखो यहाँ से डाउनलोड आरसी कर लेंगे, है ना। तो जब यहाँ पे करेंगे तो ये आपका पूरा आ जाएगा फॉर्म यहाँ पे, और यहाँ पे आपका PTRC सर्टिफिकेट देखने को मिल जाता है। तो देखो ये जो है आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, देखो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दिख रहा है इसमें। अब इसमें देखो क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ इनरोलमेंट। देखो यहाँ पे किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि कैसे आप वेस्ट बंगाल का प्रोफेशनल टैक्स का इनरोलमेंट सर्टिफिकेट निकालोगे और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैसे निकालना है, ठीक है। तो देखो बहुत ही हैसल फ्री सर्विस में हम लोग प्रोवाइड करते हैं और बहुत ही आसान तरीके से बताता हूँ, जिसके माध्यम से आप अपना खुद का भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। बट अगर आप प्रोफेशनल से करवाते हो तो वो आपका प्रोफेशनल जो है ना वो सही तरीके से दे सकता है, ताकि आपको कोई भी बैक लायबिलिटी बन के आपके पास में ना आए, है ना। तो अगर आपको भी वेस्ट बंगाल का PT यानी कि प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन PTRC या आपको PTEC लेना है, तो डेफिनेटली जो है YMW फाइनेंशियल सर्विसेज जो है एकमात्र जो है आपके लिए सॉल्यूशन है। तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए, अफोर्डेबल प्राइस और एक रिलायबल सर्विस आपको देखने को मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो के माध्यम से अगर वेस्ट बंगाल का प्रोफेशनल टैक्स का रजिस्ट्रेशन अगर आपको पूरी तरह समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को शेयर ज्यादा कीजिएगा, ताकि फ्रेंड जिन लोगों को नहीं जानकारी उन लोगों को जानकारी हो सके। बस आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।